तो गाइस यार बहुत जल्द हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर मल्टी बाइंडिंग करने पर बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। जी हाँ गाइस यार, आप लोगों ने एकदम सही सुना। मल्टी बाइंडिंग का मतलब है कि आप लोग अपने अकाउंट को किसी दो प्लेटफॉर्म में बाइंड कर सकते हो। जैसे कि गाइस यार मान लो अभी के टाइम पे आप लोगों का अकाउंट फेसबुक से बाइंड है, तो गाइस यार आप लोग उसी सेम अकाउंट को मल्टी बाइंडिंग के थ्रू किसी और प्लेटफॉर्म में भी बाइंड कर पाओगे। जैसे कि मान लो आप लोग उसी अकाउंट को गूगल पे बाइंड कर लोगे। सच में यार बहुत ही तगड़ा अपडेट है, क्योंकि गाइस यार कई बार होता ये है कि बहुत सारे बंदों का अकाउंट फेसबुक से बाइंड होता है, और किसी भी वजह से अगर फेसबुक का अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है तो उसी के साथ साथ आप लोगों की फ्री फायर आईडी भी चली जाएगी। बट देखो यार मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अपने अकाउंट को मल्टी बाइंड करके रखोगे तो फेसबुक आईडी बंद होने के बावजूद भी आप लोग अपने अकाउंट को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ओपन कर पाओगे। अब देखो यार वैसे तो ये अपडेट खुद ही में काफी अच्छा अपडेट है, बट यार मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों को मल्टी बाइंडिंग करने पर भी काफी सारे फ्री रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। मुझे पता है गाइस आप लोग फ्री रिवॉर्ड का नाम सुनते ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गए होंगे, और आप लोग जानना चाहते होंगे कि हम लोगों को कब कैसे और कौन से फ्री रिवॉर्ड मिलने वाले। तो देखो यार आप लोग चिंता मत करो, बस आप लोग आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। आज की वीडियो में आप लोगों को मल्टी बाइंडिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप लोग मल्टी बाइंडिंग के थ्रू कैसे और कौन से फ्री रिवॉर्ड को ले पाओगे। फिर गाइस यार इतना ही नहीं, आज की वीडियो में तो और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस यार आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ गाइस यार आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल भी दिखाने वाला हूं। फिर गाइस यार कुछ और भी ऐसे छोटे बड़े अपडेट्स है जिनके बारे में आज मैं आप लोगों को बता दूंगा। सच में हर एक तरीके से देखा जाए तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इसलिए गाइस यार आज की वीडियो को आप सभी लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो गाइस यार फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले OB38 अपडेट के बारे में। तो देखो यार मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार हमारे गेम के अंदर 11 जनवरी के दिन OB38 अपडेट आने वाला है। और गाइस यार हमारे गेम के अंदर आने वाले OB38 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर बहुत सारे नए बंडल आएंगे, नए ग्लू वॉल आएंगे, नए इमोट्स आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। मुझे पता है गाइस यार अभी आप लोग जानना चाहते होंगे कि हमारे गेम के अंदर आने वाले OB38 अपडेट के बाद एग्जैक्टली कौन से आइटम हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलो गाइस यार अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आइटम का रिव्यू करवा देता हूं जो कि हमारे गेम के अंदर OB38 अपडेट के बाद आएंगे। तो गाइस यार सबसे पहले आप लोग स्क्रीन में कमाल के बंडल को देखो। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बंडल आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो ये सारे के सारे बंडल हमारे गेम के अंदर OB38 अपडेट के बाद आने वाले हैं। भाई लिटरली यार यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे बंडल अवेलेबल है। फिर गाइस यार इतना ही नहीं, हमारे गेम के अंदर इन बंडल के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें आने वाली जो कि अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर गाइस यार बहुत सारी गन स्किन अवेलेबल है, साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर ग्लू वॉल भी है, पेन का स्किन है, साइथ का स्किन है, यहाँ पर कटाना का स्किन भी अवेलेबल है, एंड यहाँ पर परांग का स्किन भी है। फिर गाइस यार आप लोग यहाँ पर ये मैक 10 की स्किन को ध्यान से देखो। मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैक 10 की स्किन आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट सीएस रैंक सीजन में फ्री मिलने वाला है। साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर ये जो AC80 का स्किन है, ये वाला AC80 का स्किन हम लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट BR रैंक सीजन में फ्री मिलेगा। फिर गाइस यार यहाँ पर कुछ और भी गन स्किन अवेलेबल है, कुछ और क्या, यहाँ पर सिर्फ 3 ही आइटम है, ये भी आप लोग स्क्रीन में देख लो। देन गाइस यार यहाँ पर काफी सारे ग्लू वॉल के स्किन भी अवेलेबल है जो की आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे के सारे ग्लू वॉल के स्किन हम लोगों को हमारे गेम के अंदर OB38 अपडेट के बाद देखने को मिलेंगे। होप करता हूं आप लोगों को ये सारे के सारे स्किन पसंद आए होंगे। ओवरऑल गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैंने आप लोगों को जितने भी सारे आइटम दिखाए ये आइटम हमारे एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर अवेलेबल थे। बट गाइस यार आप लोग चिंता मत करो, जब हमारे गेम के अंदर OB अपडेट आ जाएगा तो मुझे और भी काफी सारे आइटम का रिव्यू मिलेगा, फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। फिलहाल तो गाइस यार हमारे गेम के अंदर आने वाले नए आइटम्स का मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसलिए गाइस यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस यार हमारे गेम के अंदर आज रात 12 बजे के बाद तो नहीं, बट कल सुबह 4 बजे एक बहुत ही कमाल का फिटेड व्हील इवेंट आने वाला है जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, इस फिटेड व्हील के अंदर दो बहुत ही कमाल के बंडल अवेलेबल है। यहाँ पर गाइस यार एक तो व्हाइट कलर का पापा का परा वाला बंडल है जो कि मेल बंडल है, साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर एक पापा की परी फीमेल बंडल भी अवेलेबल है। भाई सच में यार फीमेल बंडल के पंख है समझ में आता है, बट मेल बंडल में काहे को पंख लगा दिए। ओवरऑल गाइस यार जो भी है मैं आप लोगों को बता दूं, ये फिटेड व्हील उतना कुछ खास अच्छा भी नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है। आप लोग लगा लो हम लोगों को लगभग 1000 से 1200 डायमंड के अंदर दो बंडल मिलने वाले हैं, जिसमें एक मेल बंडल है और एक फीमेल बंडल है। तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो मुझे उतना बेकार सौदा तो नहीं लगा। बाकी गाइस यार आप लोगों को ये फिटेड व्हील कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि जब ये हमारे गेम के अंदर कल फिटेड व्हील आएगा तो क्या आप लोग इस फिटेड व्हील में स्पिन करोगे या फिर नहीं करोगे। बाकी गाइस यार अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल के बारे में। तो गाइस यार आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, अभी के टाइम पे हमारे इंडिया सर्वर के अंदर जो डायमंड रॉयल बंडल अवेलेबल है वो ये बहुत ही कमाल का मेल बंडल है जो कि गाइस यार दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा है। बट गाइस यार क्या आप लोगों को पता है हमारे गेम के अंदर इस वाले मेल बंडल के बाद कौन सा डायमंड रॉयल बंडल आने वाला है? मुझे बताया गाइस यार आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और हाँ आप लोग जानना भी चाहते होंगे कि
हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट डायमंड रॉयल कौन सा आएगा। तो गाइस यार आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो फीमेल बंडल आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं यही फीमेल बंडल हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट डायमंड रॉयल में आने वाला है। अगर गाइस यार हम लोग इस बंडल की बात करें तो ये बंडल हमारे गेम के अंदर अभी के टाइम पे जो डायमंड रॉयल अवेलेबल है उसी का पार्टनर फीमेल बंडल है। बाकी गाइस यार अगर हम लोग इसके लुक्स की बात करें तो ये दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा है। बाकी यार देखो मैं आप लोगों को अपना क्लियरली बता दूं, मैं कभी भी फीमेल कैरेक्टर यूज नहीं करता हूं, इसलिए गाइस यार मुझे इस फीमेल बंडल से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। बाकी गाइस यार क्या आप लोग इस फीमेल बंडल को निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट गाइस यार फिलहाल तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे अपडेट्स है जो कि आज ही हम लोगों को कवर करने हैं। तो देखो यार मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार जब हमारे गेम के अंदर OB38 अपडेट आने वाला है, तो इस बार के OB38 अपडेट के बाद हम लोगों को हमारे गेम के अंदर एक मल्टी बाइंडिंग का फीचर हमारे गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ गाइस यार इसी बार हमारे गेम के अंदर एक और नया फीचर आएगा जो कि रहेगा लॉग आउट फ्रॉम ऑल सेशन। चलो गाइस यार अभी मैं आप लोगों को इनके बारे में पूरा डिटेल से बता देता हूँ। और हाँ गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये जो मल्टी बाइंडिंग का फीचर है इस फीचर से हम लोगों को कुछ फ्री रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं, तो अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग अभी वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो यारो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन में इस पोस्ट को देखो, मैं आप लोगों को बता दूं करीना फ्री फायर की ऑफिशियल पोस्ट है। यहाँ पर करीना ने लिखा हुआ है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, यानी कि गाइस यार यहाँ पर सिंपली करीना ने कुछ 5 स्टेप बता रखे हैं जिससे आप लोग अपने फ्री फायर अकाउंट को सेफ रख सकते हो। तो गाइस यार यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि आप लोग अपने अकाउंट को और ना ही अकाउंट के पासवर्ड को किसी के साथ शेयर करना। फिर गाइस यार दूसरे स्टेप पर लिखा हुआ है कि आप लोग अपने पासवर्ड को बदलते रहा करो। एंड देन गाइस यार यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है वो है टू मल्टी बाइंडिंग। सच में यार बहुत ही कमाल का फीचर है ये। तो देखो गाइस यार मल्टी बाइंडिंग का मतलब है कि हम लोग अपने फ्री फायर अकाउंट को एक साथ दो दो प्लेटफॉर्म में बाइंड कर सकते हैं। यानी कि गाइस यार मान लो जैसे कि अभी आप लोगों का अकाउंट फेसबुक से बाइंड है, बट आप लोग मल्टी बाइंडिंग के थ्रू उसी अकाउंट को फेसबुक के साथ साथ गूगल से भी बाइंड कर सकते हो, ट्विटर से भी बाइंड कर सकते हो। लिटरली यार एक ही अकाउंट होगा पर दो दो जगह आप लोग बाइंड करके रखोगे एंड कहीं पर से भी आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। मुझे पता है गाइस यार आप लोग सोच रहे होंगे क्या ही फालतू का फीचर है, बट देखो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं ये बहुत ही कमाल का फीचर है। क्योंकि गाइस यार अभी के टाइम पे बहुत सारे बंदों का जो फ्री फायर अकाउंट है वो उनकी फेसबुक आईडी से बाइंड है, और यार फेसबुक में काफी सारे इशू होते रहते हैं, जैसे कि कभी किसी की आईडी टर्मिनेट हो जाती है, कभी किसी की आईडी ब्लॉक हो जाती है। एंड यार अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों की आईडी बैन हो गई, ब्लॉक हो गई, तो आप लोगों का फ्री फायर अकाउंट भी उसके साथ ही साथ चले जाएगा। तो इसी चीज से बचने के लिए करीना ने हमारे गेम के अंदर ये मल्टी बाइंडिंग का नया फीचर ऐड किया है, जिससे कि गाइस यार अगर आप लोगों का मान लो फेसबुक अकाउंट से डीएक्टिवेट हो भी जाता है तो आप लोग उसको दूसरे प्लेटफॉर्म से जहां पर आप लोगों ने गेम आईडी को बाइंड किया होगा वहां से आप लोग अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे। बाकी गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही हमारे गेम के अंदर आने वाले OB38 अपडेट के बाद हम लोग हमारे गेम को ओपन करेंगे तो हम लोगों को हमारे गेम के अंदर ये मल्टी बाइंडिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। एंड यार मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों को इस फीचर के साथ साथ हमारे गेम के अंदर एक इवेंट भी देखने को मिलेगा जहां पर से गाइस यार हम लोग मल्टी बाइंडिंग करते ही किसी भी एक इमोट को क्लेम कर पाएंगे। तो देखो यार यहाँ पर 4 इमोट अवेलेबल है और चारों के चारों इमोट काफी अच्छे हैं, एंड ये इमोट आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। बस आप लोगों को अपनी आईडी को मल्टी बाइंड करना है और यहाँ पर से आकर कोई सा भी एक इमोट को क्लेम कर लेना है, बहुत ही सिंपल फंडा है। फिर गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, फिर इसके बाद गाइस यार कुछ और भी स्टेप है, जैसे कि गाइस यार करीना ने बोला कि आप लोग अपने अकाउंट को 2-स्टेप वेरिफिकेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट में गाइस यार पांचवा ऑप्शन आप लोग देखो, यहाँ पर करीना ने साफ साफ बोला कि अगर आप लोगों का वो प्लेटफॉर्म जिससे आप लोगों की गेम आईडी कनेक्टेड है वो हैक हो जाता है तो आप लोग जस्ट लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस फीचर को यूज कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों का जो हैक वाला अकाउंट है वो हैकर के डिवाइस के अंदर से लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट गाइस यार यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ नोट पढ़ो, यहाँ पर करीना फ्री फायर ने साफ साफ लिखा हुआ है लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस फीचर कमिंग ऑल्सो इन द अपडेट, यानी कि गाइस यार हमारे गेम के अंदर आने वाले OB38 अपडेट के बाद ही हम लोगों को हमारे गेम के अंदर ये लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस वाला फीचर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो आज की वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन सीधा था कुछ अटपटा था, बट गाइस यार मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं आप लोगों को सब कुछ समझा पाऊं। तो गाइस यार होप करता हूं अभी आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आया होगा। तो क्योंकि गाइस यार फिलहाल तो मेरे पास आज की वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसलिए गाइस यार हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।